बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। स्क्रिप्ट नीरज पांडे डायरेक्टेड, सुपर मूवी लाइक बेबी। एक्टिंग वाज आल्सो गुड, मनोज बाजपेयी एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा। सॉन्ग अच्छा था, एक लेडूबा 4 3। अच्छा नहीं लगा नीरज पांडे जिन्होंने एमएस धोनी बनाई है उनसे आयारी की उम्मीद नहीं थी। सो इट इज़ क्वाइट अ स्ट्रेच, दे हैव स्ट्रेच्ड अ लॉट। देयर वर सर्टेन सीन्स इन द मूवी जो नहीं जरूरत थी, जो कश्मीर में उन्होंने शूट किया वो जरूरत नहीं थी। प्लस मूवी इधर उधर बहुत घूमी है ना, कोई एक सर्टेन डायरेक्शन नहीं है, कभी कुछ दिखा रहे कभी कुछ दिखा रहे हैं, एंड एंडिंग बहुत ही अब्रप्ट है। डायरेक्शन वीक लगा आपको? स्क्रिप्ट बहुत वीक लगी मुझे। एक्टिंग नसीर की बहुत अच्छी है, मनोज बाजपेयी ऑब्वियसली एक्टिंग सबकी अच्छी है, बट द स्क्रिप्ट इज नॉट दैट गुड। सो अभी सिर्फ एक्टिंग करके थोड़ी मूवी चलेगी। आउट ऑफ 5 कितने स्टार्स देंगे? मैं 2.5 स्टार्स। कैसी लगी मूवी आपको? मुझे अच्छी लगी। नीरज पांडे की डायरेक्ट, मैं सेकंड टाइम भी देख रहा, मनोज वाजपेयी इज अ अच्छा रोल है, और जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा का भी अच्छा रोल है। देखा है पॉल्यूशन है, देखा है सब मिलिट्री का सब बेचना ये सब होता है, और 6 माले का बिल्डिंग हो रहा है तो 31 माले का बिल्डिंग हो जाता है, तो उसमें पॉल्यूशन का ही रोल रहता, ज़्यादा रहता है। गाने कैसे लगे आप? हाँ सॉन्ग्स कैसे लगे? सॉन्ग तो अच्छा लगे सर। स्टार देना चाहेंगे आउट ऑफ 4 स्टार? ओके थैंक यू सर। आरुण ये मूवी हटके मूवी है, पहली बात तो नीरज पांडे जैसे डायरेक्टर ने ये पिक्चर बनाई है तो 100% आदमी को लगेगा कि बहुत ही अच्छा टॉपिक होगा। ये पॉलिटिशियन और आर्मी के बीच में है, और जो मुंबई में आदर्श घोटाला कांड हुआ था उसको उजागर करने की कोशिश किया है, लेकिन बीच बीच में इजिप्ट ने, लंदन ने, ये ने, वो ने, दूसरे इतने कश्मीर और दूसरा इतना मसाला डाल दिया गया है जिसका इस पिक्चर से कोई मतलब नहीं है। एक्टिंग वाइज सारे एक्टर बहुत अच्छा सुपर एक्टिंग किए, स्टोरी एकदम जीरो है, कुछ भी समझ में नहीं आता, इंटरटेनमेंट नाम का कोई भी अक्षर इसमें फिट नहीं होता। कितने स्टार देना चाहेंगे आप? इसमें स्टार देने जैसा कुछ है नहीं, ये इंटेलेक्चुअल पिक्चर है, बहुत कम आदमी ही इसको समझ पाएंगे कि डायरेक्टर कहना क्या चाहता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मूवी वाज गुड, और इट वाज वेरी गुड, डायरेक्शन वाज गुड, एक्टिंग ऑफ मनोज वाजपेयी वाज एक्सीलेंट। इन कंपैरिजन ऑफ मनोज वाजपेयी आई विल गिव अपर साइड ऑन मनोज वाजपेयी। सॉन्ग्स आर ओके, नॉट रिक्वायर इन दैट मूवी, द स्टोरीज वॉज वेरी गुड। 3 इट्स मस्ट वॉच मूवी। मूवी वॉज गुड, डायरेक्शन वॉज वेरी गुड, ऑब्वियसली नीरज पांडे बहुत अच्छी डायरेक्शन है। सिद्धार्थ मल्होत्रा वॉज एवरेज, बट मनोज वाजपेयी वॉज टू गुड। Songs, there was only one song in the movie, Le Duba, it was good. 3 stars. Sir, बात करें मूवी की तो मूवी कैसा लगा? सर मूवी से हमको बड़ी उम्मीदें थी, इसलिए हम लोग मूवी देखने आए थे, और पहला शो था मॉर्निंग शो, उसमें नीरज जी का फिल्म है, उनकी सारी फिल्में मैंने देखी है, एज ए डायरेक्टर मैं उनको बहुत पसंद भी करता हूँ, लेकिन ये फिल्म उतनी अच्छी नहीं बना पाई जितनी उम्मीदें थी। एक्टर ने सबने अच्छा काम किया हुआ है, लेकिन स्क्रीन प्ले बहुत बकवास है, कॉन्सेप्ट अच्छा था, इंडिया में जो करप्शन चल रहा है सेना का मिलिट्री का जो दिखाया, लेकिन जहाँ वो ले जाना चाहते वो समझ में आता नहीं कि आखिर बताना क्या चाहते थे, बहुत कन्फ्यूजन है। मुझे नहीं लगता कि ये पब्लिक को ये फिल्म पसंद आएगी। अच्छा ट्रेलर को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था, तो उस पर खरी उत्तर पाई? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सर ट्रेलर तो अच्छा ही होता है ना, 30 सेकंड में तो आप जो दिखाते शॉट्स होते हैं, बेस्ट एक्टर है तो अच्छा ही लगेगा। सबसे बड़ी वीकनेस क्या लगी आपको? सर स्क्रीन प्ले बहुत घटिया है, डायरेक्शन अच्छा है, डायरेक्टर तो अच्छे हैं, डायरेक्टर तो वैसा ही होता है, जो पहली फिल्मों में वेडनेसडे उन्होंने अच्छा किया, अच्छा किया, शॉट सारे अच्छे हैं, DOP अच्छा है, लेकिन सॉन्ग तो मुझे नहीं लगता कोई गुंजाइश नहीं थी कि गाना था, वो भी हलो चलो था। 2 स्टार देना चाहेंगे? 2।